बीएससी मैथ मैकेनिक्स डायनेमिक्स टॉपिक चल रहा है मोशन ऑन द प्लेन कार्स। इसमें जो टॉपिक्स है वो है साइक्लाइड्स। मोशन ऑन प्लेन कार्स में है साइक्लाइड्स, वीडियो नंबर 6। आर्टिकल दे रहे हैं मोशन ऑन द आउटसाइड ऑफ ए स्मूथ साइक्लाइड, यानी कि जो साइक्लाइड्स है BAC, उसका वर्टेक्स अपवर्ड है एंड वर्टिकल एक्सिस। ए साइक्लाइड BAC whose axis is vertical, let us suppose that the particles of mass m starting from rest at point A, at point A से rest से slide कर रहा है, slide down on the arc of smooth cycloid with axis vertical and vertex upward. At any time t, let the particles be at point A, B, A point A, point P, यानी कि time t में particle A to पी पहुंच जाता है, यानी पी पॉइंट पर पहुंच जाता है। साइ द एंगल दैट द टेंजेंट एट पॉइंट पी, यानी कि पी से जो टेंजेंट है उसका एंगल साइ है। द फोर्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वेट mg एक्टिंग डाउनवर्ड एंड द रिएक्शन आर एक्टिंग आउटवर्ड टू द नॉर्मल ऑफ पी। इक्वेशन ऑफ मोशंस आर देन द इक्वेशन ऑफ मोशन होगा इसका m d2s upon dt square equal to m d2s upon dt square equal to minus mg sin psi, equation number first मानेंगे इसको, and mb square upon rho m d2s upon dt square equal to mg sin psi, mb square upon rho equal to होगा mg cos psi minus r, equation number 2। इसमें देखिएगा जो नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, यानी कि ये जो फोर्स है ये वेरीफाई कर रहा है इस वाले फोर्स को, ठीक है, यानी इसको रोके हुए अपोजिट एक्शन में काम कर रहा है। एम बी स्क्वायर अपॉन रो ये इन दोनों फोर्स को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि रिएक्शन इधर की ओर काम कर रही है, तो एम जी को साई इस पार्टिकल को नीचे रोकने में काम करेगा, ये माइनस ये जो दोनों रिएक्शन फोर्स ये फोर्स होंगे एम बी स्क्वायर अपॉन रो को सेटिस्फाई करते हैं। एम बी स्क्वायर अपॉन रो इक्वल टू होगा एम जी को साई माइनस आर, इक्वेशन नंबर 2। देन इक्वेशन ऑफ साइक्लाइड्स होता है एस इक्वल टू 4a साइन साई, इक्वेशन ऑफ साइक्लाइड इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। साइन साई इक्वल टू होगा एस अपॉन 4a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, साइन साई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा एम डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एम जी एस अपॉन 4a, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का जी एस अपॉन 4a, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 लेट किया है, एंड इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाइंग बाई 2ds अपॉन dt ऑन बोथ साइड्स। फिगर तो हम बता ही नहीं है, फिगर में कोई खास दिक्कत नहीं है, एंड इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाइंग 2ds अपॉन dt से d2s अपॉन dt स्क्वायर इंटू 2ds अपॉन dt इक्वल टू माइनस का gs अपॉन 4a 2ds अपॉन dt एंड इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ इंटीग्रेट करके बन जाएगा ds अपॉन dt का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू माइनस का जी एस स्क्वायर अपॉन 4a, यानी एस स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जी एस स्क्वायर अपॉन 4a, वो माइनस साइन कहाँ, नहीं माइनस साइन तो नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा हमसे एक पॉइंट पे मिस्टेक है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था एम डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एम जी साइन साई, वो माइनस नहीं प्लस ही रहेगा, क्योंकि फोर्थ उसको वेरीफाई कर रहा है, एम जी साइन साई को वेरीफाई कर रहा है, वहाँ पे माइनस साइन ना रहेगा, तो इक्वेशन नंबर 4 में भी ये जी एस अपॉन 4a हो जाएगा, यानी माइनस साइन हट जाएगा, माइनस साइन से आर्टिकल नहीं हो पा रहा है, जी एस अपॉन 4a प्लस c1 यहाँ पे कॉन्स्टेंट मान लेंगे। इक्वेशन नंबर 5 इनिशियली ऊपर वाला जो पॉइंट था, इनिशियली एट पॉइंट ए पर आर्टिकल्स में मतलब फिगर में इक्वेशन एट पॉइंट ए पर एस इक्वल टू होगा 0, टाइम भी वहाँ पे 0 था, एस इक्वल टू 0, टाइम भी 0 एंड वेलोसिटी भी 0 था,
बी इक्वल टू जीरो होगा, बी इक्वल टू यानी कि डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो होगा। देन इसमें वैल्यू ड्रा कर देंगे, जीरो इक्वल टू जीरो प्लस सी वन, देन सी वन इक्वल टू जीरो, सी वन की वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फाइव, वैल्यूज ऑफ सी वन इक्वेशन नंबर फाइव में पुट कर देंगे, तो ये पॉइंट बन जाएगा हमारा डी एस अपॉन डी टी का हॉल ऑफ स्क्वायर, डी एस अपॉन डी टी का हॉल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू जी एस स्क्वायर अपॉन फोर है। डी एस अपॉन डी टी का हॉल ऑफ स्क्वायर यानी कि बी इज बी स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन फोर इंटू एस स्क्वायर, वे हर एस इक्वल टू है फोर ए, फोर ए साइन साई का हॉल ऑफ स्क्वायर ये कैंसिल कर देंगे, यानी कि फोर ए जी साइन स्क्वायर साई आ जाएगा, बी स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए जी साइन स्क्वायर साई। इसको नेक्स्ट इक्वेशन नंबर सिक्स सेलेक्ट कर लेंगे, लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर सिक्स से। इक्वेशन नंबर टू है एम बी स्क्वायर अपॉन रो इक्वल टू एम जी को साई माइनस आर, तो हमने सेपरेट कर लिया आर इक्वल टू एम जी को साई माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर इक्वल टू एम जी को साई माइनस एम बी की बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया इक्वेशन नंबर सिक्स से, फोर ए जी साइन स्क्वायर साई यहाँ पे पुट कर दिया, एंड रो होता है डी एस अपॉन डी साई, एस इक्वल टू होता है हमारे पास एस इक्वल टू था फोर ए साइन साई, यहाँ से हमने डी एस अपॉन डी साई निकाला, डी एस अपॉन डी साई हो जाएगा फोर ए, फोर ए कोस साई, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, देन यहाँ पे आर का वैल्यू निकल आएगा, आर इक्वल टू एम जी कॉस साई माइनस एम फोर ए जी साइन स्क्वायर साई अपॉन डी एस अपॉन डी साई होगा फोर ए कोस साई, फोर ए से फोर ए कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू एम जी कॉस साई माइनस एम जी साइन स्क्वायर साई अपॉन कॉस साई, साइन स्क्वायर साई अपॉन कॉस साई। यहाँ से हम कुछ कॉमन पार्ट निकालते हैं, आर इक्वल टू एम जी कॉस साई माइनस एम जी साइन स्क्वायर साई अपॉन कॉस साई, एम जी अपॉन कॉस साई अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो आर इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस साई कॉमन निकाला तो ये होगा कॉस स्क्वायर साई माइनस साइन स्क्वायर साई। इफ इसको मान लेंगे नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेवन, इक्वेशन नंबर सेवन, इफ द पार्टिकल लीव द साइक्लाइड, अगर पार्टिकल्स साइक्लाइड को लीव कर जाता है यानी छोड़ जाता है, देन आर इक्वल टू होगा जीरो, इफ द पार्टिकल लीव द साइक्लाइड देन रिएक्शन फोर्स आर इक्वल टू होगा जीरो, जीरो इक्वल टू होगा एम जी अपॉन कॉस साई कॉस स्क्वायर साई माइनस साइन स्क्वायर साई, यानी कि जीरो इक्वल टू कॉस स्क्वायर साई माइनस साइन स्क्वायर साई, कॉस स्क्वायर साई इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर साई, यानी कि साइन साई इक्वल टू कॉस साई, देन टेन साई इक्वल टू वन, टेन साई इक्वल टू साइन साई इक्वल टू कोस साई एंड टेन साई इक्वल टू वन एंड साई इक्वल टू हुआ 45 डिग्री। एंड सो द पार्टिकल्स विल लीव द साइक्लॉइड व्हेन इट इज मूव इन द डायरेक्शन मेकिंग एट एंगल 45 डाउनवर्ड विद द हॉरिजॉन्टल्स।